हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओप्पो F17 के स्पीकर की लाइन के बारे में। तो आप वीडियो को पूरा देखें। तो ये हमारी ओप्पो F17 की ये स्पीकर की लाइन है, जो कि यहाँ से हमारा पत्ता कनेक्ट होता है और यहाँ से सीधे निकलने के बाद हमारी जो प्लस माइनस की सप्लाई है, तो हमारे यहाँ से सीधे निकल के इस IC के अंदर आई है दोस्तों। तो ये हमारी जो स्पीकर की पॉजिटिव और निगेटिव लाइन है, दोनों इस IC के अंदर आई हुई है और यहाँ से सीधे निकल कर वो किधर जा रही है वो आपको दिखा देता हूँ। इस IC के अंदर कई सारी सप्लाई आई हुई हैं। तो हमारी ये ऑडियो IC है, तो हमारी जो ऑडियो के इन सिग्नल है वो आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो हमारा इन सिग्नल है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये हमारे देखो दोस्तों, ये इन सिग्नल है ऑडियो का। और ये हमारे इन सिग्नल कहाँ से आ रहा है, तो हमारे ये CPU से आता है, जो कि हमारे अनेबल करता है ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर इनेबल सिग्नल। और ये हमारी देखो BPH पावर की सप्लाई बन रहा है दोस्तों। तो हमारे BPH पावर की सप्लाई कहाँ से बन रहा है वो पूरी दिखाता हूँ आपको, जो हमारी इस ICU करंट देता है। तो ये हमारे BPH पावर की सप्लाई, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और एक कॉइल लगी है, और यहाँ से इस IC हमारे रिंगर ICU को वोल्टेज मिल रहा है दोस्तों। और इसकी लाइन में और भी कुछ है यहाँ पे, जो कि और सप्लाई दी हुई है, और ये हमारे BPH पावर यहाँ से भी बन रहा है। तो आप चेक कर सकते हैं इस तरीका से, आप हमारी जो लिंगर वर्क नहीं करता तो आप इस पर सोल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों। तो अब वीडियो में आप जम्पर भी कर सकते हैं इस तरीका से देख कर, अगर कोई सप्लाई ब्रेक हो और शॉर्टिंग हो तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमारी ये कुछ सप्लाई और हैं इस IC के अंदर। थैंक यू।